हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक थ्योरम और क्लोजर ऑफ सेट यानी कि BW थ्योरम और क्लोजर ऑफ ए सेट ये टॉपिक डिस्कस किए थे भी, तो उनके बाद कुछ थ्योरम्स बचती हैं जो इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने एक बार उनकी रीडिंग ले लेनी है, एक बार अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी एक बार पढ़ते ही। तो नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है एक्सरसाइज 1.3, यानी कि आज के वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे भी। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, जिन्होंने बेसिक वीडियोज को कंप्लीट देखा है या कंप्लीट देख चुके हैं तो उनको ये एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी लगने वाली है। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे कि ऑलरेडी मैं बेसिक्स के अंदर उनको कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करें, कमेंट में अपने रिव्यू दें और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं ऑलरेडी पहले से ही करवा चुका हूं, स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको आइडिया हो गया होगा। डिफाइन लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, भी ये लिमिट पॉइंट हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, लिमिट पॉइंट का पूरा कंसेप्ट बताया गया था। तो उसको डिफाइन करना कि लिमिट पॉइंट होता क्या है, तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें जो भी लिमिट पॉइंट के बारे में लिखा है उसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन है उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, ये तो हर जगह मैं डिस्कस कर चुका हूं भी कि जो नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, इन सेट्स का कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है प्रीवियस, अगर आपने वीडियो देखी है तो अगर ये क्वेश्चन हो चुका है तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। तो देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो मैंने हटा दिया है क्योंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको करवा चुका हूँ। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि वन एग्जांपल ऑफ इस, कुछ से पार्ट साइंस के हर एक का हमने एक एग्जांपल देना है। पहला बोल रहे हैं एन इनफाइनाइट सेट हैविंग वन लिमिट पॉइंट, एक ऐसा इनफाइनाइट सेट हमने बताना है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट पॉइंट हो, और ये भी लिमिट पॉइंट वाली वीडियोस के अंदर आपको एग्जांपल दिया जा चुका है भी। तो इसका जो एग्जांपल बनेगा वो बनेगा सेट ए, किस तरीके से होगा, वन बाय एन, जहां एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ये प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल दिया जा चुका है लिमिट पॉइंट वाली में, क्योंकि अब यहां से जो इसका लिमिट पॉइंट होता है यानी कि जिसका डेराइव्ड सेट की वैल्यू हमने क्या निकाली थी कि इसका लिमिट पॉइंट सिर्फ जीरो बनेगा, ठीक है ना, यानी कि एक सिंगलटन सेट बनेगा डेराइव्ड सेट। तो दिस मींस एक सिंगल पॉइंट जीरो इसका क्या बन रहा है, लिमिट पॉइंट। तो ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं। दूसरी बारी आती है एन इनफाइनाइट सेट हैविंग टू लिमिट पॉइंट, अब दो लिमिट पॉइंट होने चाहिए। अब इसका एक ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं इस केस में कि अगर आपसे एक लिमिट पॉइंट पूछा जाए उसका एग्जांपल हो चुका है, अगर आपसे दो लिमिट पॉइंट पूछे जाए, तीन लिमिट पॉइंट पूछे जाए, आगे चार हो जाए, पांच हो जाए, छह हो जाए, यानी कि जितने भी वो फिक्स करके दे दे, आप एक ही एग्जांपल से सारा कुछ कवर कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा है। तो इसके लिए हम सेकेंड के लिए सेट मान लेते हैं, एक कोई सेट है वो है वन प्लस वन बाय एन और टू प्लस वन बाय एन, जहां एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब इसको चेक कर लीजिए, इसके जो लिमिट पॉइंट बनेंगे इस सेट के लिमिट पॉइंट्स जो बनेंगे वो क्या बनेंगे भी, उसको चेक कर लीजिए आप, ठीक है ना। देखो, वन प्लस वन बाय एन ये एक एलिमेंट है, एन कोई नेचुरल नंबर है, एन की वैल्यू आप वन पुट करोगे, वन और वन कितना होगा, टू होगा, क्लियर सी बात है। फिर एन की जगह टू पुट करोगे यानी कि मैं लिख देता हूं टू, फिर वन बाय टू हो गया तो ये कितना हुआ, वन पॉइंट फाइव, वन बाय थ्री हुआ, वन बाय थ्री को आप जीरो पॉइंट थ्री लिख सकते हो, तो वन पॉइंट थ्री थ्री। सो ऑन ये लास्ट में वन की तरफ टेंड करेगा भाई, ये फर्स्ट वाला है जो, तो इसका फर्स्ट लिमिट पॉइंट क्या बनेगा, वन। ऐसे ही जो सेकंड वाला है वो टू की तरफ टेंड करेगा, दिस मींस इसका लिमिट पॉइंट क्या बनेगा, टू। ये वही वाला एग्जांपल से मिलता जुलता है जो स्टार्टिंग में हमने करवाया था। बस ध्यान रहे भी, एक्सरसाइज की वीडियो देखने से पहले बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो कंप्लीट आपने देखनी है, वरना एक्सरसाइज देखने का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ये वही बस रट्टाफिकेशन वाली बात होगी, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, आपने उतार लिया, बस बात खत्म, ना आपको कुछ भी नहीं पता होगा इसके बारे में, ठीक है ना। अब ऐसे ही अब बोल रहे भी एन इनफाइनाइट सेट हैविंग नो लिमिट पॉइंट, अब जिसका कोई भी लिमिट पॉइंट ना हो, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो तो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो एन,
ठीक है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन ले लो, इनफाइनाइट सेट है लेकिन लिमिट पॉइंट है ही नहीं कोई, यानी कि ये सारी चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं भी बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर, तो अब और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो ये हुआ सेकंड कंप्लीट, सेकंड का फोर्थ पार्ट था ये, एक दो पार्ट मैंने छोड़ दिया आपके लिए कि देखना होता है ना आप वीडियो से कितना सीखते हैं, तो जो भी पार्ट है आप उनके एग्जांपल दें अच्छी तरीके से भी, किसका क्या लिमिट पॉइंट चाहिए, वन चाहिए, टू चाहिए, थ्री चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देने होते हैं। और इसमें यह भी नहीं है कि आपने आंसर मैच करना है कि नहीं। अब मैंने यहाँ इस फोर्थ में इनफाइनाइट सेट जिसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, आप बोलेंगे सर नहीं मेरा आंसर तो इंटीजर वाला सेट आ रहा है, अरे भी बात है कि एग्जाम्पल पूछा गया उसने, आंसर मैच नहीं करने होते इनमें। तो इस तरीके से तो पहले दो क्वेश्चन हमारे हुए कंप्लीट, ठीक है ना, जो ऑलरेडी बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर हो चुके थे, बस ये एक बार लिख के आपको बताना पड़ता हाँ भी ऐसे ऐसे हमने किया था। थर्ड भी हो चुका है बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर। अब ये बोल रहे हैं एक एग्जांपल दो एक सेट का जिसके थ्री लिमिट पॉइंट हो, बस आपने क्या करना है कि ये जो सेट हमने ये लिया था इसमें 1+1/n रखने से 1 लिमिट पॉइंट बना था, 2+1/n रखने से 2 लिमिट पॉइंट बना था, 3+1/n रख दो एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका देखो 1 भी लिमिट पॉइंट बनेगा, 2 भी लिमिट पॉइंट बनेगा और 3 भी क्या बनेगा लिमिट पॉइंट बनेगा। बस अगर आपसे बोला जाए भी 4 लिमिट पॉइंट होने चाहिए तो 4+1/n, 5 होने चाहिए 5+1/n, 6 होने चाहिए 6+1/n, बस सिंपल सा है, ठीक है ना। तो सिंपल सा फंडा है, जितने मर्जी लिमिट पॉइंट पूछे जाए हम आसानी से बता सकते हैं। तो ये पहले तीन क्वेश्चन हुए हमारे कंप्लीट। अब आते हैं फोर्थ पे, तो फोर्थ की जगह बना लेते हैं अभी पहले, तो ठीक है ना, क्योंकि बिना जगह के तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। फोर्थ की स्टेटमेंट आप पढ़िए तब तक, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक जैसे हैं अभी, ठीक है ना। फोर्थ क्या कहता है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर, ए क्या है नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का, एंड यू है जो वो सुप्रीमम है सेट ए का। तो यहां पे हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, फोर्थ के सॉल्यूशन में हियर यू इज ए सुप्रीमम ऑफ सेट ए, मान लिया कि ये सेट ए है, ठीक है ना, यहां से यहां तक है, यू इसका एक सुप्रीमम है, लेकिन एक कंडीशन और है, यू डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यू है जो वो ए से बिलोंग नहीं करता, यानी कि ये जो ए सेट हमने लिया है इससे आगे है यू, मान लिया यहां पे इससे बाहर है, ठीक है ना। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि यू एक लिमिट पॉइंट होगा सेट ए के लिए, तो हम प्रूव कर देंगे, बड़ा सा सिंपल है, ठीक है ना। तो यू सेट से बिलोंग नहीं करता, ये कंडीशन दे दी बीच में, ठीक है ना, यू सेट से बिलोंग नहीं करता और यू क्या है सुप्रीमम। तो यहां से हम लिखेंगे इफ यू इज सुप्रीमम ऑफ सेट ए देन यू प्लस एप्साइलन डज नॉट बिलोंग टू सेट ए फॉर एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, यानी कि अगर एप्साइलन एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो अगर यू प्लस एप्साइलन है भी जब यू ही बिलोंग नहीं करता तो यू प्लस एप्साइलन कहां से बिलोंग करेगा, तो और भी आगे चला जाएगा। मान लिया कि यू प्लस एप्साइलन यहां पे आ गया, यू प्लस एप्साइलन, एंड जो यू माइनस एप्साइलन है वो बिलोंग करेगा सेट ए से, ठीक है ना, फॉर एप्साइलन ग्रेटर जीरो, यानी कि u माइनस एप्साइलन करोगे तो लेट अस सपोज यहां पे पॉइंट आ गया u प्लस एप्साइलन, क्लियर, ये थोड़ा आगे और ये थोड़ा पीछे, ठीक है ना। बट जो u माइनस एप्साइलन है इज नॉट ए अपर बाउंड, ठीक है ना, इज नॉट ए अपर बाउंड, बी u माइनस एप्साइलन भी बिलोंग करता है सेट ए से, लेकिन ये अपर बाउंड नहीं हो सकता, रीजन बिकॉज यू इज ए सुप्रीमम, सुप्रीमम क्या है सबसे छोटा अपर बाउंड यू है, लेकिन ये तो यू माइनस एप्साइलन यू से भी छोटा है, तो दिस मीन्स ये तो अपर बाउंड नहीं हो सकता। अगर ये अपर बाउंड नहीं है देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एक्स वन such that एक रियल नंबर x1 ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि u माइनस एप्साइलन से x1 क्या है बड़ा और इक्वल होगा और लेस देन होगा u प्लस एप्साइलन से, ठीक है ना, या फिर यहां ये इक्वल भी लगाने की आपको जरूरत नहीं है भी u, सॉरी यहां माइनस लिखना था ये प्लस लिखा गया, u माइनस एप्साइलन, ठीक है ना, u माइनस एप्साइलन सेट के अंदर का कोई एलिमेंट है सेट ए का,
और यू प्लस एप्सिलॉन सेट के बाहर का एलिमेंट है, यू भी इससे बाहर है, सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है। अब देखो ये जो एक्स वन एलिमेंट है लेट अस सपोज वो यहां पे लाई करता है कि नहीं, यू माइनस एप्सिलॉन और यू प्लस एप्सिलॉन के बीच में है एक्स वन, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इंटरवल है u माइनस एप्सिलॉन और u प्लस एप्सिलॉन इज ए नेबरहुड ऑफ, ठीक है ना, किस पॉइंट का नेबरहुड होगा भाई, u पॉइंट का भाई, u पॉइंट का नेबरहुड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि u के आजू बाजू वाले सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो ये सेट u का क्या होगा, नेबरहुड होगा भाई। अब एंड दिस सेट कंटेन ए एलिमेंट एक्स वन ऑफ सेट ए, इस इंटरवल के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है एक्स वन जो किसका है, सेट ए का है। अगर इस इंटरवल के अंदर सेट ए का कोई एलिमेंट है, हो सकता है एक से भी ज्यादा हो, एक तो कंफर्म है, एडहेरेंट पॉइंट वाला केस बताया था मैंने, दिस मींस हम क्या कह सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट यू इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। तो हम क्या कह सकते हैं कि U है जो वो लिमिट पॉइंट होगा सेट A का, यानी कि U के आजू बाजू वाले इंटरवल में सेट A के एलिमेंट मिल गए कि नहीं मिल गए। अगर वो एलिमेंट मिल चुके हैं तो इनके इंटरसेक्शन फाई नहीं है, और इंटरसेक्शन फाई नहीं है दिस मीन्स ये क्या है, लिमिट पॉइंट है, बस सिंपल सा फंडा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब आते हैं फिफ्थ पे, फिफ्थ सेम है, बस U की जगह L दे दिया और सुप्रीमम की जगह इन्फिमम दे दिया। लेट A बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड L है जो वो इनफीमम है सेट A का। इफ L डज नॉट बिलोंग्स टू A, L A के अंदर नहीं है, जैसे अभी इसी में हम करते हैं कि जैसे यहां U अपर बाउंड दिया था, यानी कि लिस्ट अपर बाउंड, ये है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड L जो सेट में बिलोंग नहीं करता। तो हम एक इंटरवल लेंगे ऐसे ही L प्लस एप्सिलॉन, मान लें यहां पे क्या है L L माइनस एप्सिलॉन, सेम केस चलेगा जैसे हमने पहले वाले में u माइनस सी और u प्लस सी के जो एप्सिलॉन के बीच में x1 साबित किया था, ऐसे ही हम इनके बीच में कोई एक एप्सिलॉन साबित करो सॉरी x1 साबित करेंगे, सेम एज इट इज प्रोसीजर रहेगा, ठीक है ना। तो हम साबित कर देंगे कि l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में a का कोई ना कोई पॉइंट जरूर है, एक तो 100% है, अगर ए का कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर है इस इंटरवल के अंदर, दिस मींस एल क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा सेट ए के लिए। सेम प्रोसीजर है, बस यहां मैंने सुप्रीमम का केस करवाया है और आपने इनफीमम का केस करना है भी। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5 जो काफी इजी से, मेरे को नहीं लगता जिसने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया उनसे ये 5 सोल्व नहीं हुए होंगे, बिल्कुल सिंपल से है, सारा का सारा इंट्रोडक्शन में मैं करवा चुका हूं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं वो है लेट एक्स बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए विच इज द सबसेट ऑफ आर। अब एक्स है वो लिमिट पॉइंट है सेट ए का, अब हमें बताना है इज एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ, अगर लिमिट पॉइंट है ए का तो क्या एक्स एक लिमिट पॉइंट होगा ए में से अगर हम एक्स को माइनस कर दें, जस्टिफाई योर आंसर। तो स्टार्टिंग में एक्स लिमिट पॉइंट गिवन है ए का भी, तो यहां से हम लिख लेते हैं हेयर एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। अगर एक्स लिमिट पॉइंट है सेट ए का देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो कि जो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन की इंटरसेक्शन आप a के साथ लेते हो तो वो फाई तो नहीं आएगी, यही लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन थी। लेट सपोज वो एक y एलिमेंट आ जाती है, एक ही एलिमेंट है मान लेते हैं आ गया उसके अंदर एंड और y सेट a का एलिमेंट है, ठीक है ना, इन दोनों के इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आया y जो सेट a का एलिमेंट है एंड
वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स से अलग कोई एक एलिमेंट आया है जो किसका है, सेट ए का, क्योंकि अकेला एक्स आ गया तो वो फिर लिमिट पॉइंट नहीं होगा, यानी कि इस इंटरवल के अंदर ओ और ए सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट कॉमन होने चाहिए, लेकिन हमने सिर्फ एक मान लिया है कि इनके अंदर जो इंटरसेक्शन में सिर्फ वाई आया है और वाई एक ऐसा एलिमेंट है जो एक्स से अलग है, एक्स नहीं है। दिस इंप्लाइज अगर वाई एक्स के बराबर नहीं है, एक्स से कुछ अलग है, तो y बिलोंग करेगा सेट A में से अगर x घटा दो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भी, क्योंकि y तो x है ही नहीं और y सेट A का एलिमेंट है, तो y किसके अंदर भी बिलोंग करेगा, A सेट में से अगर वो x एलिमेंट माइनस कर दिया तो y तो उसके अंदर भी प्रेजेंट होगा भी, क्लियर। यानी कि y बिलोंग्स टू A माइनस सेट x, सिंगल टर्म सेट है जिसमें एक एलिमेंट है x। अब y इस सेट का एलिमेंट है, सिर्फ x माइनस किया है हमने, ठीक है ना। This implies X is also a neighborhood of set A minus X। इस चीज ने हमें क्या बता दिया कि X इसका भी नेबरहुड होगा। रीजन इसका नेबरहुड क्यों होगा, क्योंकि X माइनस एप्साइलन और X प्लस एप्साइलन में A सेट का एक एलिमेंट आया था Y, ठीक है ना, इनके इंटरसेक्शन में। अगर इनकी इंटरसेक्शन हम a माइनस सेट x के साथ करते हैं, इसके साथ, ठीक है ना, इसके साथ हम अगर इंटरसेक्शन करें तो अब क्या आएगा, x ही घटा है सिर्फ इसमें से, y तो नहीं, y तो अब भी है इनके इंटरसेक्शन में, क्योंकि ये सेट में y क्या अब भी प्रेजेंट है, x का तो y पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब इनके इंटरसेक्शन करोगे ये भी क्या आ गया, y phi तो नहीं आई ना इंटरसेक्शन, अगर phi आ जाती दिस मीन्स हम बोलते भी x नेबरहुड नहीं है, अब इंटरसेक्शन phi नहीं है, दिस मीन्स x इज ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ सेट a माइनस सेट x, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये प्रूव करोगे। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, तो मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि साइड में जगह चाहिए। सेवंथ क्वेश्चन है भी, ठीक है ना। तो सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ में क्या बताना है, एक सेट गिवन है, आपने बताना है भी ओपन क्लोज है या नहीं, या फिर इसमें लिख रखा है भी ये ना तो ओपन है ना ही क्लोज है, ये हमने साबित करना है भी। तो इसको हम सेट ए मान लेते हैं, सेट ए जो है माइनस वन, वन माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय टू, माइनस वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री, सो ऑन, इनफाइनाइट एलिमेंट है। अब ओपन सेट देख लेते हैं पहले। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर इस सेट के अंदर इसके सारे लिमिट पॉइंट्स हैं तो वो किसकी डेफिनेशन हो जाती है, वो क्लोज की हो जाती है, क्योंकि क्लोज की डेफिनेशन और ओपन की डेफिनेशन बताई थी मैंने। ओपन की डेफिनेशन क्या थी कि अगर कोई सेट अपने अंदर जितने भी पॉइंट है सभी का नेबरहुड बनता है तो दिस मीन्स वो सेट ओपन है। और क्लोज की डेफिनेशन क्या बताई थी, अगर ए सेट का कॉम्प्लीमेंट ए के ऊपर छोटा सा सी लगा देते हैं अगर वो ओपन बनता है देन सेट क्लोज है, दो डेफिनेशन थी। लेकिन 1.3 की बेसिक थ्योरम्स के अंदर जो सीक्वेंस एंड सीरीज मैथ है 1.58 ये पेज नंबर है 1.58 मैं यहां लिख देता हूं, इस पेज नंबर पे एक थ्योरम है क्लोज सेट के लिमिट पॉइंट से रिलेटेड, अगर किसी सेट में उसके सारे लिमिट पॉइंट पड़े हैं दिस मीन्स वो क्या होगा, क्लोज होगा। यानी कि अगर a बार की वैल्यू a है, a बार क्या होता है, यानी कि a यूनियन a प्राइम, और अगर इनकी यूनियन a के इक्वल आ जाती है, इसका मीनिंग क्या है, a प्राइम यानी कि डेराइव्ड सेट वो सारा a के अंदर प्रेजेंट है, तो दिस मीन्स उस सेट को हम क्लोज बोल सकते हैं। तो पहले ओपन प्रूव कर लेते हैं। यहां हम लिखते हैं हियर जो वन है वो बिलोंग करता है सेट ए से, क्योंकि वन सेट ए के अंदर है। सो अब देखते हैं, वन माइनस एप्साइलन और वन प्लस एप्साइलन, फोर एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, ओपन कब होगा, जब ये हर एक एलिमेंट का क्या होगा, नेबरहुड होगा। तो यहां से हमने एक इंटरवल लिया वन माइनस एप्साइलन, वन प्लस एप्साइलन, फोर एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो। अब वन इस इंटरवल के अंदर है, ठीक है ना, वन बिलोंग्स टू इंटरवल वन माइनस एप्साइलन टू वन प्लस एप्साइलन, बट ये जो इंटरवल है ये सेट ए के एलिमेंट कंटेन नहीं करता अभी, ठीक है ना, क्योंकि ये एलिमेंट सेट ए के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। ध्यान से देखो, वन माइनस एप्साइलन वन प्लस एप्साइलन, वन से जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट वाला इंटरवल इस सेट के अंदर नहीं है, क्योंकि वन के बाद सीधा वन बाय टू आ रहा है अभी,
या वन से पहले माइनस का वन बाई टू आ रहा है कि नहीं, या फिर वन लगा सकते हो, जो भी आपने लगाना है। तो दिस मीन्स ये इंटरवल सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, दिस मीन्स सेट ए ओपन नहीं है, क्लियर। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इसमें देखो, अगर सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स इस सेट के अंदर हैं, दिस मीन्स ये क्लोज है। अब देखो, ये अगर पॉजिटिव वैल्यू ले, वन वन बाय टू, वन बाय थ्री, वन बाय फोर, वन बाय फाइव, वन बाय सिक्स, सो ऑन, लास्ट में जो वैल्यू है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है। दिस मीन्स ये जो सेट जीरो है, या फिर ये एलिमेंट जो जीरो है, जीरो इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। जीरो लिमिट पॉइंट है, क्योंकि ये वही वाला एग्जांपल हो गया, मैंने लिखा था वन बाय एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका क्या आया था, जीरो एक लिमिट पॉइंट आया था अकेला। तो ऐसे ही वन, वन बाय टू, वन बाय थ्री, इसके अंदर भी ये टेंड्स टू जीरो है, तो जीरो इसका क्या होगा, एक लिमिट पॉइंट, और जीरो इसका एक लिमिट पॉइंट है, बट जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जीरो इसका लिमिट पॉइंट होने के बावजूद भी ए के अंदर नहीं है। दिस मीन्स सेट ए कंटेन्स या डज नॉट कंटेन्स इट्स लिमिट पॉइंट। तो दिस मीन्स ये क्या है, क्लोज भी नहीं होगा। लिमिट पॉइंट वाली डेफिनेशन से भी आप क्लोज साबित कर सकते हो, या फिर आप यहां से ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, भी ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, और ए कॉम्प्लीमेंट निकाल के ए कॉम्प्लीमेंट को दिखा दो कि ये ओपन नहीं है, वो भी आप कर सकते हो। दोनों तरीके हैं आपके पास, ठीक है ना। एक ये डेफिनेशन जो मैंने अभी बताई है, लेकिन 1.3 के बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर आ चुकी है, अगर आपने थ्योरम्स पढ़ी है तो। और दूसरी ये ए कॉम्प्लीमेंट वाली जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताई थी। तो इस तरीके से हम प्रूव करेंगे सेवंथ को कि ये ना तो ओपन है और ना ही क्लोज है। तो अब इसको भी हटा देते हैं अभी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है ना। मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, सो ऑन ऐसे थंबनेल पे डाल रखा है, एक भी क्लास अगर आपकी मिस होगी तो नेक्स्ट वाली समझ में नहीं आएगी, ये कंटिन्यूटी में देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये क्लास इलेवंथ है, क्लास इलेवंथ से पहले वाले अगर आप क्लास 1 to 10 कंप्लीट देख चुके हैं तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, अदरवाइज फिर बस वैसे ही वीडियो देखते रहना, बस रटा रटा लिखते रहना, यहाँ से कॉपी करते रहना, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो एट्थ की बात करते हैं। एट्थ में डराइव्ड सेट फाइंड आउट करना है इस सेट का। अब डराइव्ड सेट आपको पता होना चाहिए भी क्या होता है, 1/2m, 1/3n, और जो m और n है वो नेचुरल नंबर होंगे। डराइव्ड सेट का मीनिंग क्या है भी, इस सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट बनेंगे उनको एक जगह लिख दो, उनका जो सेट बनेगा उसको डराइव्ड सेट बोलते हैं। तो देख लेते हैं अभी। तो यहाँ अगर मैं m की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, m की वैल्यू 1, फॉर m इज इक्वल टू 1, तो ये बनेगा 1/2 प्लस, यहां भी 1 पुट करो, 1/3। अगर ये 1/2 n की वैल्यू तो 2 भी हो सकती है, तो 1/6, 1/2 और 3 भी हो सकती है, 1/9, सो ऑन, ये इनफाइनाइट चला जाएगा। यानी कि 1/2 के आजू बाजू वाले नंबर सारे इधर प्रेजेंट है कि नहीं। तो 1/2 इसके लिए क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट, ठीक है ना। ऐसे ही फॉर m इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू 2 रखोगे तो 1/4 में ऐसे ही 1/3 ऐड होगा, 1/4 में 1/6 ऐड होगा, 1/4 में 1/9 ऐड होगा, सो ऑन, ये ऐड होते जाएंगे भी, ठीक है ना, ऐसे, क्लियर। तो इस तरीके से ये एलिमेंट आते रहेंगे। अब यहां पे 1/4 क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट बनेगा इसके लिए, m इक्वल टू 2 के लिए। ऐसे ही अगर मैं m इक्वल टू 3 वैल्यू पुट करूं, यानी कि 1/2 × 3 = 6, अब n की जगह 1 पुट करोगे 1/3, तो 1/6 में फिर 1/6 हो जाएगा, 1/6 में 1/9 हो जाएगा, सो ऑन चलता रहेगा। तो हम यहां से कह सकते हैं, सो ये जो 1/2 है, 1/4 है, 1/6 है, सो ऑन लास्ट तक चले, तो 1/2m, यानी कि लास्ट तक, और ऑल द लिमिट पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ए, ये सारे क्या बनेंगे भी, लिमिट पॉइंट। और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि 1/2 माइनस एप्साइलन, 1/2 प्लस एप्साइलन के इंटरवल के अंदर एक एक कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए, इनफाइनाइट एलिमेंट बोल सकते हो। तो दिस मीन्स वो लिमिट पॉइंट होगा।
तो एग्जिस्ट करते हैं अभी 1.2 से 1.2 प्लस एप्सिलॉन में काफ़ी सारे एलिमेंट है जो सेट ए के हैं, 1/4 प्लस एप्सिलॉन में काफ़ी सारे एलिमेंट है जो ए के हैं, 1/6 प्लस एप्सिलॉन में काफ़ी सारे एलिमेंट है जो ए के हैं, तो यानी कि ये सारे लिमिट पॉइंट बनेंगे। इसी तरीके से जैसे हमने एम की वैल्यू चेंज की, अगर हम एन की वैल्यू चेंज करें और एम को 1, 2, 3, 4, 5 लिखें, सिमिलरली इसी तरीके से ये जो 1/3 है, फिर 2 रखोगे 1/6, 1/9, सो ऑन 1/3n, ये भी क्या होंगे और ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ए। और जैसे जैसे आप वैल्यू पुट करो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, सो ऑन वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। लास्ट टाइम पे ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, अभी देखो 1/2, 1/4, 1/6, सो ऑन, ये जो वैल्यू है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, यानी कि जीरो के आजू बाजू, जीरो माइनस एप्सिलॉन और जीरो प्लस एप्सिलॉन के बीच में काफी सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो सेट ए के होंगे। तो दिस मीन्स जीरो भी क्या बनेगा, इनका लिमिट पॉइंट बनेगा भी। तो एक लिमिट पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा, और बाकी सारे ये लिमिट पॉइंट होंगे। तो ए का डराइव्ड सेट क्या बनेगा भी, इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ऐसे तो लिखेंगे नहीं, हम यहाँ लिख लेते हैं 1/2m, जहाँ m बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। एक तो ये हो गया, इसकी यूनियन हमने किसके साथ लेनी है भी, 1/3n से, जहाँ n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। एक दूसरा सेट ये हो गया, और एक ये अकेले जीरो वाला सेट हो गया, ठीक है ना। दिस मीन्स अगर तीनों सेट्स के आप यूनियन कर देते हो तो वो ए का क्या बनेगा, डराइव्ड सेट बनेगा भी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 9th है वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, सो दैट एवरी रेशनल्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ आर माइनस क्यू। ये जो आर माइनस क्यू है इसका मीनिंग क्या होता है, इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, भी रेशनल में से, सॉरी रियल में से रेशनल माइनस कर दिए तो इरेशनल बचे। अब इरेशनल नंबर का कोई भी रेशनल नंबर नेबरहुड होगा, मान लिया ये कोई रेशनल नंबर है, ठीक है ना, ये रेशनल नंबर है कोई इधर, तो इसको हटा देते हैं। अब रेशनल नंबर के आजू बाजू का अगर आप इंटरवल लेते हो, इनकी q माइनस एप्सिलॉन और q प्लस एप्सिलॉन, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या मिलेंगे आपको, इरेशनल नंबर, जो किस सेट के होंगे, इस इरेशनल के। तो दिस मीन्स यानी कि हर एक रेशनल नंबर r माइनस क्यू का क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। बस सिंपली आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ये लिमिट पॉइंट में मैं करवा भी चुका हूँ बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर, अगर आपने ध्यान से देखा है तो। क्लियर, तो इस तरीके से आप 9th क्वेश्चन को सोल्व करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं, इज द यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट, ठीक है ना, आर्बिट्रेरी फैमिली है क्लोज सेट्स की, वो क्या होंगी, क्लोज सेट, ये हमें बताना है भी एक्चुअल में ऐसा है या फिर नहीं है। तो हम मान लेते हैं इस केस में, लेट fn कोई फैमिली है क्लोज सेट की जो इस तरीके से है कि क्लोज सेट हमें इस तरीके से लेना है 1/n, और यहाँ आप कुछ भी ले सकते हो, लेट अस सपोज यहाँ आपने 3 ले लिया, ठीक है ना, ये है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ये फैमिली ले ली भी हमने। तो यहाँ से जब आप f1 निकालोगे, f1 तो फर्स्ट क्लोज सेट क्या बनेगा, 1/1, 1 से 3 का क्लोज सेट बन गया। f2 निकालोगे, f2 निकालोगे तो 1/2 से 3 का बन गया। ऐसे ही F3 निकालोगे भी आप, F3 तो F3 आएगा 1/3 से लेकर 3, सो ऑन लास्ट तक चलता जाएगा भी, ठीक है ना। तो यहां तक अगर मैं F1 और यूनियन F2 लेता हूं, F1 की यूनियन F2 के साथ, तो यहां से देखो 1 से 3 के एलिमेंट है और ये 1/2 से 3 के हैं, दोनों की यूनियन करोगे, ध्यान से देखना, ये तो 1 से लेकर 3 तक है, 1 और 3 के बीच में नंबर लाइन पे समझ लो ना इसको, जैसे 1 ये 2 और ये 3, और इसमें 1/2 यानी कि 0.5 से लेकर 3 तक के हैं, तो दिस मीन्स इनकी जो यूनियन आई वो क्या आई, 1/2 से 3 आई। अब दोबारा से F1 यूनियन F2, इसकी यूनियन अगर F3 के साथ लेते हो तो 1/3 तो और इस 1/2 से पीछे होगा इस तरीके से, तो यानी कि आप इनकी यूनियन क्या आ जाएगी, 1/3 से 3। एक टाइम ऐसा आएगा जब F1 यूनियन F2 यूनियन F3, सो ऑन आप यूनियन लेते लेते FN तक पहुंचोगे, तो इनकी जो यूनियन आएगी
इनकी जो यूनियन आएगी, देखो 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, so on, ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? जीरो को, लेकिन जीरो नहीं होगा, जो इनकी यूनियन बनेगी उसमें जीरो एलिमेंट काउंट नहीं होगा, यानी कि वो क्या बन जाएगी, जीरो से लेकर थ्री तक की यूनियन। तो ये क्या हो गया, हाफ ओपन इंटरवल बोल सकते हो आप इसको। अब हमें ये बताना है कि जो इन सभी की यूनियन है फैमिली ऑफ क्लोज सेट की, वो क्लोज होगी या नहीं होगी, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। अगर ये क्लोज है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन मिलना चाहिए, तो यहां से इस सेट को हम मान लेते हैं ये एस है, तो एस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यानी कि रियल में से ये इंटरवल हम माइनस कर देते हैं, जीरो यानी कि थ्री भी काउंट है इसमें। तो जब ये इंटरवल आप माइनस करोगे, अब जीरो इसमें काउंट नहीं है, तो यानी कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक बचा, लेकिन जीरो तो इसके अंदर आएगा ना। अब जीरो से और थ्री तक के एलिमेंट हमने माइनस करने हैं, तो जीरो तो माइनस नहीं करना था, तो जीरो इसमें आ गया, है कि नहीं। अब देखो यूनियन यहां से यहां तक ये हो गया, ये जीरो से थ्री ये हो गया, अब यहां थ्री से क्या कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। अब ये बताना है क्या इनकी यूनियन है जो ओपन सेट होगी। अब देखो इस जीरो पॉइंट को ले लो, क्या ये जीरो प्लस एप्साइलन और जीरो माइनस एप्साइलन इंटरवल इसमें एग्जिस्ट करता है, यानी कि जीरो इनका क्या होगा, नेबरहुड नहीं होगा, जीरो इसका नेबरहुड नहीं होगा। अगर जीरो इसका नेबरहुड नहीं है तो जो एस कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन सेट नहीं है। अगर एस कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट नहीं है, दिस मीन्स ये सेट क्या है, ये भी क्लोज सेट नहीं होगा, यानी कि क्लोज सेट्स की जो फैमिली की अगर आप यूनियन लेते हो तो वो एक क्लोज सेट नहीं बनेगा। अभी ये हमने प्रूव करना था सिंपल इसके अंदर, ठीक है ना। तो 11th के अंदर कुछ एग्जांपल देने हैं, 12th में अपने ड्राइव सेट निकालना, बड़ा सिंपल सा है, ये दोनों क्वेश्चन भी आप खुद से करोगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि दी एंड होने वाला है, वो है एक ऐसा एग्जांपल हमें देना है दो सेट ए और बी का, कि जिनके ड्राइव सेट तो इक्वल हो लेकिन वो सेट इक्वल ना हो। भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे चुका हूँ मैं इसमें, यहाँ लिख लीजिए ए सेट क्लोज इंटरवल 0 to 1, बी सेट ओपन इंटरवल 0 to 1, दोनों सेट अलग अलग हैं, इसमें 0 और 1 काउंट होते हैं, इसमें 0 1 काउंट नहीं होते, कुछ भी ले सकते हो 0 1 1 2 2 3। अब अगर a प्राइम की वैल्यू आप निकालोगे, यानी कि ये इसके कितने लिमिट पॉइंट बनेंगे, तो a प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, 0 टू 1 क्लोज सेट, और b प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, सेम 0 टू 1 क्लोज सेट। अब देखो इनके प्राइम तो क्या हो गए, इक्वल, लेकिन ये सेट इक्वल नहीं है। तो कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने ये लिखना है, आप 2 से 3 लिख सकते हो, 3 से 4 लिख सकते हो, 5 to 6, या इंटरवल से अलग आपके पास कोई एग्जांपल है तो आप वो भी आप लिख सकते हो। तो बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज में आपने देखा होगा कि जिस स्टूडेंट्स ने बेसिक पढ़ लिया, बेसिक्स पढ़ लिया, उसकी 75% एक्सरसाइज तो ऑलरेडी सोल्व हो चुकी थी बेसिक्स के अंदर ही। कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसा अलग सा था कि जो थोड़ा सा हटके था वो मैंने आपको करवा दिया अभी, यानी कि सारा डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर, कुछ मेन मेन से पॉइंट हैं, जल्दी से जल्दी उसको कवर करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 होते ही हमारी फर्स्ट यूनिट भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट, यानी कि यूनिट का 3/4 पार्ट आज कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 4 में से 3 एक्सरसाइज हमारी डन हो चुकी है। तो पहली 3 एक्सरसाइज में से जो भी आपके डाउट्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, तो ग्रुप में आप पिक भेज दिया करें, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता तो स्टूडेंट्स ही उसका सोल्यूशन दे देते हैं, रिप्लाई दे देते हैं, अगर बिल्कुल किसी से भी वो सोल्व नहीं होता तो मैं भी वहाँ रिप्लाई कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय बाय।